सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपए भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। लास्ट हमने क्लास में शुरू करा था बच्चों आपके साथ जो नया चैप्टर था, उसका चैप्टर का नाम था डिमांड। तो आपको फरारी गाड़ी खरीदनी है, क्या ये डिमांड है? ये क्या है? डिजायर। तो उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको? परचेजिंग पावर, तभी वो डिमांड बनेगी। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं बोलूं कि ये पेन 10 रुपए का है तो आप कितने पेन खरीदना चाहते हो? 10। आप कितना खरीदना चाहती हो? 10। आप कितना खरीदना चाहते हो? 30। वेरी गुड। तो मतलब गिवन प्राइस पर आप कितनी कमोडिटी खरीदना चाहते हो, इसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। तो ये हो गई एक्चुअल परिभाषा। लेकिन मेन चीज़ जो आपने सीखी थी वो ये कि कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को प्रभावित करेंगे। अब आपको गाड़ी खरीदनी थी, याद है? तो मैंने पहला फैक्टर आपको सिखाया था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसका सिंबल था PX। अगर मैं ये कह दूं कि आप जो गाड़ी खरीदना चाहते हो उसका प्राइस बढ़ गया, तो फिर आपकी क्या होगी? क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। और अगर आपको दो वेरिएबल्स का इनवर्स रिलेशन शो करना है तो आप कैसा कर्व बनाओगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाओगे। तो ये याद आ गया। दूसरा आपको बताया था फैक्टर जो डिमांड को प्रभावित करता है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड मैंने आपको बताए थे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड की पहले चर्चा कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी। तो अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे? कॉफ़ी ज़्यादा पीना शुरू कर दोगे। तो इसका मतलब टी का प्राइस बढ़ते ही आपने अपनी कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा लिया। तो इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको अगर ये डायग्राम पर शो करना हो तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देंगे। ओके,
और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं, जिसका हमने एग्जांपल लिया था कार और पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपकी कार की डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसको अगर आपको डायग्राम पे शो करना हो तो कैसा कर्व बनाएंगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो तीन बातें हमने पढ़ ली थी, यहाँ तक ओके हो गया। तो आज हमें अब आगे पढ़ना है कि और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को प्रभावित करेंगे। चलो, तो आज हम शुरू करेंगे, जो तीसरा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को प्रभावित करेगा, उस फैक्टर का नाम है सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि आपकी जेब में रोकड़ा कितना है ना। तो आप चवन्नी लेके आ गए तो आप किस चीज़ की डिमांड करोगे? फिर ऑब्वियसली उसी चीज़ की कर पाओगे। और अगर आपकी जेब में भी ज़्यादा पैसे होंगे तो फिर आपकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इनकम जो होती है कंज्यूमर की, वो तो एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गई जो किसी भी गुड को या आपकी डिमांड को प्रभावित कर सकती है। और इसका सिंबल क्या याद रखना है आपको? वाई। तो ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इनकम जो होती है वो अलग-अलग प्रकार के गुड्स के हिसाब से आपके बिहेवियर को प्रभावित करती है। तो पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि गुड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो गुड्स कितने प्रकार के आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? तीन प्रकार के नज़र आ रहे हैं, लेकिन पहले हम चर्चा दो की करेंगे। एक को बोलते हैं नॉर्मल गुड और दूसरे को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बारे में पहले हम बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर लिखेंगे। तो आप बस ध्यान से सुनते रहना कि नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड किसे बोलते हैं, ठीक है? बस आप ध्यान से सुनते रहना। नॉर्मल गुड एक तरह से बोला जाता है, किसी भी गुड को बोल सकते हैं, कोई भी गुड नॉर्मल हो सकता है, उसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लेकिन जब उसी गुड का कोई चीपर, कम अच्छी क्वालिटी वाला सामान अगर बाजार में अवेलेबल है तो उसी को हम बोल सकते हैं इन्फीरियर गुड। तो इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स तो बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल्स भी होते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब है कि मैं कहूँगा पर आप मानोगे नहीं, आप मुझसे लड़ोगे कि सर हम नहीं मानेंगे। जैसे बाज़ार में जो चलते हैं, एक कॉन्ट्रोवर्शियल वाली पहले स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फुल क्रीम मिल्क ये एक नॉर्मल गुड है, लेकिन इसी की इन्फीरियर क्वालिटी, पुअर क्वालिटी या चीप सस्ता वाला होता है डबल टोन मिल्क। तो अब मुझे पता है आप नहीं मान रहे ना, तो ठीक है मत मानो, तुमने मान लिया। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलर टीवी बाजार में बहुत पहले आते थे, अब तो आते भी नहीं है शायद, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। ये चीप क्वालिटी के होते थे, पुराने जमाने के सस्ते होते थे, कलर टीवी महंगे होते थे। तो मतलब ये कि नॉर्मल गुड आप किसी भी गुड को कह सकते हो जो मतलब एक तरह से नॉर्मली मिलता है बाजार में, और उसी का बेकार क्वालिटी का सस्ता वर्जन जो होता है उसको हम इन्फीरियर गुड कह देते हैं। लेकिन जो हम दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा प्रचलित हैं, जो आपको लिखवाएंगे उसमें हम लिखते हैं वीट। जैसे आप सब बच्चे, मुझे पता है घर में अगर चपातीज खाते हैं तो वो वीट की होती है, लेकिन उसी को अगर कोई गरीब व्यक्ति वीट जो नहीं खरीद सकता जब रिप्लेस करता है तो वो बाजरे की रोटी खाता है, बाजरा, क्योंकि बाजरा भी एक अनाज है जैसे वीट होता है, लेकिन बाजरा बहुत सस्ता आता है। बाजरा हम जैसे व्यक्ति, मतलब आप जैसे व्यक्ति तो कबूतरों को खिला देते हो, इतना सस्ता आता है बाजरा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होगा वो उसी बाजरे की रोटी भी खाता है। तो वीट और बाजरे को हम नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के क्लासिक एग्जाम्पल में मानते हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम लिखेंगे। बट समझ आ गया कि नॉर्मल गुड किसे कहते हैं और इन्फीरियर गुड किसे कहते हैं, है ना। तो ये तो हो गया बेसिक मीनिंग। अब जो हम डिस्कस करेंगे उसे आप ध्यान से सुनना, ये लिखना नहीं है आपको। हम ये देखेंगे कि इनकम जो है, इनकम
वो आपकी डिमांड को कैसे प्रभावित करती है, बशर्ते अगर मैं नॉर्मल गुड की बात करूं तो, और बशर्ते मैं इन्फीरियर गुड की बात करूं तो इस कहानी को समझाने के लिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूं। तो उससे क्या होता है, मुझे समझाना आसान हो जाता है, आपको समझना आसान हो जाता है। ठीक है सर, तो आज से कई वर्षों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय आपको क्या लगता है कि मेरी इनकम कितनी होती होगी? जीरो। बिल्कुल सही। तो इनकम के नाम पे बस मुश्किल से 40 रुपए मिलते थे घर से, जिसको आप आज के ज़माने में पॉकेट मनी कह देते हो। तो 40 40 रुपए इकट्ठे करके मान लो हफ्ते के 40 मिले, तो एक महीने के कितने हो गए? 280 क्यों हो गए? एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, 160 हो गए ना एक महीने के। एक हफ्ते में 4 हफ्ते एक महीने में 4 हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते 40 रुपये मिलेंगे, तो महीने के अप्रॉक्सीमेटली 160 रुपये हो गए। अच्छा, अब कॉलेज जाने वालों को किस चीज़ का शौक होता है? भाई नई नई जीन्स आती है मार्केट में, नई नई टी शर्ट्स पहनने का शौक होता है, क्योंकि कॉलेज जा रहे हैं। तो भाई कॉलेज जाने में ऑब्वियसली, कॉलेज जब आप जाओगे तो आपको भी तो शौक होगा ना कि हम अच्छे कपड़े पहन के जाएं कॉलेज में। स्कूल में तो ये शौक पूरा नहीं हो पाता, वो तो वही अपनी वर्दी लटका के जाना पड़ता है, लेकिन कॉलेज में तो आपका मन करेगा कि मैं रोज नए रंग बिरंगे ड्रेस पहन के जाऊं। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, अब 160 रुपये जेब में लेकर अब किसी मॉल में जाके मैं सोचूं कि चलो भाई किसी ब्रांड से कपड़े खरीदें, तो ये तो मुश्किल क्या नामुमकिन है। क्या अब आप मुझसे एग्री कर रहे हो? 160 रुपये लेके तो हम किसी मॉल में जाके किसी ब्रांडेड कपड़े को तो नहीं खरीद सकते, कॉलेज भी जाना है। तो बहुत वर्षों पहले आपने सुना है चोर बाजार एक जगह होती थी, अब तो एक खैर काफ़ी कम हो गई। तो पहले चोर बाजार हुआ करता था, वो दिल्ली में लगा करता था, इंदिरा गांधी रोड के पीछे, लाल किले के पास है इंदिरा गांधी रोड, उसके पीछे सवेरे सवेरे 4 बजे फिक्स होता था संडे को, और 7 बजे ख़त्म। तो चोर बाजार की खासियत ये थी कि भाई साहब वहां पर ऐसे ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे कौड़ियों के दाम पर मिलती थी। टी शर्ट मिलती थी 30 रुपए की, जीन्स मिलती थी 100 रुपए की, और उसमें लिखा भी एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा होता था, अरमानी या पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल ट्रू कॉपी लगती थी, मतलब किसी को पता ही ना चले कि ये कैसे कपड़े, चोरी का माल। तो अब देखो, अगर वो मॉल वाले कपड़ों को हम कहें कि ये नॉर्मल गुड है, मॉल वाले कपड़े, तो ये चोर बाजार वाले कपड़ों को हम क्या बोलेंगे? इन्फीरियर गुड बोल देंगे, है ना? तो हमारी डेफिनेशन में फिट हो गया मामला कहानी के हिसाब से। तो अब आपको साइकोलॉजिकल लॉ पर लेके चल रहा हूँ, जिससे हम डिमांड की तरफ बढ़ेंगे। अब तो अब देखो, जब मेरी इनकम हुआ करती थी 160 रुपये, तब मैं कौन से कपड़े खरीदता था? चोर बाजार वाले, चोर बाजार क्लोथ्स। यानी कि मैं ऐसा लिख देता हूं, तब मैं कौन से कपड़े खरीदता था? इन्फीरियर गुड्स खरीदता था। फिर जैसे जैसे कॉलेज पास करके इनकम लेवल्स बढ़ने शुरू हुए, एक जीरो और लगा देते हैं, एक जीरो और लगा देते हैं, मान लो एक जीरो और लगा देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है तो वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स मेरा खरीदना क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा। अब थोड़ी ना चोर बाजार जा रहे हैं, तो अब धीरे धीरे इन्फीरियर गुड्स खरीदना हमारा क्या हो रहा है? इनकम के बढ़ने पर कम हो रहा है। और अब अगर मुझे कपड़े खरीदने, तो मैं कहाँ जाके खरीदूंगा? मॉल जाके खरीदूंगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं नॉर्मल गुड्स हैं वो इनकम लेवल बढ़ने पर ज़्यादा खरीदूंगा या ज़्यादा खरीद पाऊंगा आसानी से। तो अब आपको इस लिंक को सोचना है कि मेरी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है या बढ़ रही थी, वैसे वैसे इन्फीरियर गुड्स की मेरी डिमांड क्या हुई? कम हुई। वेरी गुड। तो अब आप लगाओ वो इकोनॉमिक्स का लॉजिक जो सिखाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम और इन्फीरियर गुड के बीच में कैसा रिश्ता है? वेरी गुड, इनवर्स रिश्ता है। समझ आ गया? और जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही थी, वैसे वैसे मैंने मॉल वाले कपड़े क्या करे? ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए। तो इनकम और मॉल वाले कपड़े यानी कि नॉर्मल गुड में अगर आपसे पूछा जाए कैसा रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब इनकम जो होती है
वो गुड के हिसाब से रिश्ता बताती है। इनकम मेरी बढ़ी लेकिन मेरी इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड के साथ कैसा रिश्ता हो गया मेरा, इनवर्स, और नॉर्मल गुड के साथ कैसा रिश्ता हो गया, डायरेक्ट। समझ आ गई कहानी। चलो तो पहले आपको स्टोरियां लिखवाएंगे फिर डायग्राम बनवाएंगे। चलो तो आप नॉर्मल गुड में लिखो मेरे साथ डैश डाल के, गुड्स विच एग्जिबिट्स EXHIBITS विच एग्जिबिट्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, विच एग्जिबिट्स पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज एज द इनकम, दैट इज एज द इनकम इंक्रीजेस कॉमा डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं वीट। तो नॉर्मल गुड बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि भैया ऐसे गुड्स जो इनकम के बढ़ने पर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव का मतलब डायरेक्ट रिलेशन ही होता है। उसके बाद लिखो इन्फीरियर गुड्स में डैश डाल के, गुड्स विच एग्जिबिट्स, बताओ क्या लिखवाऊंगा अगले तीन अक्षर, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। हाँ, नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब इनवर्स ही होता है। गुड्स विच एग्जिबिट्स नेगेटिव इनकम इफेक्ट, दैट इज एज द इनकम इंक्रीजेज कॉमा डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड, बताओ क्या, डिक्रीजेज, है ना, चोर बाजार जाना कम हो गया, फुल स्टॉप। दे आर generally demanded by lower income group consumers, है ना। मैंने ये भी आपको बताया था कि inferior goods आमतौर पर कौन खरीदेगा, जो lower income group का व्यक्ति होगा, full stop। उसके बाद inferior goods have बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर देम इन द मार्केट। एग्जाम्पल, बाजरा इज इन्फीरियर टू वीट, बाजरा इज इन्फीरियर टू वीट। तो बोलो, पहले इतनी कहानी सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गई नॉर्मल गुड की और इन्फीरियर गुड की, क्या होते हैं, कौन खरीदता है और उसका क्या एग्जाम्पल होता है। सब बच्चों को बिल्कुल ओके। चलो अब अपने लेफ्ट पेज पर आ जाओ नोट्स के, दो चित्र बनाएंगे सुंदर सुंदर। चलो तो दो डायग्राम बनाने, तो पहले एक डायग्राम, ठीक है, मेरे साथ साथ बनाने की हैबिट डालो और वो भी सुंदर सुंदर साथ साथ, और दूसरा डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम में आपको क्या लिखना है, ओरिजिन ओ, उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे बताओ, कौन बच्चा बताएगा, क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड, और दूसरे डायग्राम पे एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ
इन्फीरियर गुड, ठीक है। तो एक में हम किसकी क्वांटिटी का डायग्राम बनाएंगे, नॉर्मल गुड मॉल वाले कपड़े, और दूसरे में किसकी बनाएंगे, चोर बाजार वाले कपड़े। पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना, मैं आया हूं बस छोटा सा एक मैसेज लेकर, जरा देखूं तो सही कि बच्चे पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो के किस मोमेंट पर एग्जैक्टली आप मेरा ये वीडियो मैसेज सुन रहे हो, जरा पता तो चले कि बच्चे पढ़ाई कर भी रहे हैं वीडियो से या नहीं। और हाँ, बिजनेस स्टडीज की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए अंकुर अग्रवाल सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वहां पर बिजनेस स्टडीज के ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखना है, प्राइस। वेरी गुड। तो जो बच्चा प्राइस कह रहा है, उसके मुंह पर कालिक पोत के गधे पर बैठा के उसको पूरे मोहल्ले में घुमाया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये कि उससे बड़ा रट्टू तोता पृथ्वी पर कोई पैदा नहीं हुआ। भाई यहां पर हम कौन से दो वेरिएबल्स के रिश्ते की बात कर रहे हैं, इनकम के साथ देख रहे हैं ना कि भाई मेरी इनकम के साथ चोर बाजार के कपड़ों का क्या हुआ, वो है ना। तो यहां रिलेशन जो है इनकम का और क्वांटिटी का है, तो यही तो सीखना है और यही आप सीख नहीं रहे। तो या तो मेरा पढ़ाना बेकार हो रहा है जो मैं मानता नहीं, या आप सीखना नहीं चाहते ये मैं मानता हूं। तो वाई एक्सिस पे आपको इनकम लिखना है। भाई समझ रहे हो बात, मैं फिर से रिपीट करूं, बताओ कैसे डिसाइड होगा कि क्या लिखते हैं। जब भी डायग्राम बनाओ कैसे डिसाइड होगा कि क्या लिखना है, जो आप दो वेरिएबल्स का रिश्ता बताना चाहते हो उस पॉइंट में वो लिखना है। जैसे पुराने पॉइंटों में हमने क्या लिखा था, प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ कार, उससे पहले मैं क्या लिखा था, प्राइस ऑफ टी, क्वांटिटी ऑफ कॉफी। तो जिसका रिश्ता बताना है उसमें, यहां किसका रिश्ता बता रहे हैं, इनकम का और क्वांटिटी का, ठीक है। चलो अब अपने आप बताओ मेरे को कि नॉर्मल गुड में कैसा रिश्ता था, तो कर्व कैसा बनाऊं। वेरी गुड। तो बस ये आपने कुछ तो दिल खुश करा, अपवर्ड स्लोपिंग। तो अपवर्ड स्लोपिंग का याद है ना मतलब क्या, कि आप अगर 10 रुपए की इनकम में एक लेस का पैकेट खरीद रहे हो, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कितने लेस के पैकेट खरीदोगे, दो खरीदोगे, ज्यादा खरीदोगे। तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। दोबारा से बादल बना लो, इसे बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। फिर दूसरा आप बताओ, अब इनकम का और इन्फीरियर गुड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो कैसा कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड। तो बताओ इसके बादल में क्या लिखेंगे, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। वेरी गुड। तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब समझे आप, कि अगर आपकी इनकम 10 रुपए है और आप चोर बाजार से दो जीन्स खरीद रहे हो, और जब अब आपकी इनकम बढ़ के अब हो गई 1 करोड़ रुपए, तब आप चोर बाजार से कितनी जीन्स खरीदोगे, हाँ फिर तो खरीदोगे नहीं, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है मतलब कम खरीदोगे, कम तो हो ही गया ना, हमें तो रिश्ता देखना है। तो बेसिकली ये इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो आप एरो से खुद भी लगा लो आइडिया, पहले में इनकम बढ़ी क्वांटिटी बढ़ी, दूसरे में इनकम बढ़ी लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, तो वो इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। तो क्लियर हो गए दोनों डायग्राम। चलो अब इसके नीचे मतलब अपने लेफ्ट पेज पर ही तीसरा डायग्राम बनाना है आपको, तीसरा डायग्राम एक बनाना है। तो तीसरे डायग्राम की तैयारी करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे लिखना है इनकम,
और एक्स एक्सिस पे लिखना है क्वांटिटी, बस क्वांटिटी। चलो तो अब मैं अपना ही एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। तो भाई जब मेरी इनकम कितनी थी बताओ, 160 रुपए, तब मैं खाने में 5 ग्राम नमक खाता था, ठीक है, कितना नमक खाता था, 5 ग्राम। अब मेरी जब इनकम बढ़ के मान लो हो गई 16,000 रुपये, तो अब मैं खाने में कितना नमक खाऊंगा, 5 ग्राम ही खाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि सब्जी में मैं 50 ग्राम नमक डाल दूंगा। अब अगर मेरी इनकम 1,60,00,000 हो गई, तो अब मैं कितना नमक खाऊंगा, स्वाद अनुसार 5 ग्राम ही खाऊंगा। ऐसा तो नहीं कि अब नमक मैं कोई 500 किलो डाल के खाना शुरू करता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब ये कि कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी चाहे इनकम बहुत कम हो, चाहे थोड़ी ज़्यादा हो, और चाहे तो आपकी मुकेश अंबानी के बराबर की हो, फिर भी आप कितना खाओगे या कितना कंज्यूम करोगे, उतना ही करोगे ऑलमोस्ट। ऐसा तो नहीं कि कम ज़्यादा होता रहेगा, वो ऐसा हो सकता है ना। पहले बोलो हाँ या ना। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इन्हें बोलते हैं नेसेसिटी गुड। तो अब क्वांटिटी ऑफ के बाद कंप्लीट कर लो नेसेसिटी गुड, और ये आपका तीसरा डायग्राम बन गया। तो अब मैं इसमें से ये 5 ग्राम हटा देता हूँ और ये इनकम के नंबर हटा देता हूँ, तो बस आपको एक कर्व बनाना है। तो ये शो कर रहा है कि भैया नेसेसिटी गुड तो ऐसा होता है जिसकी, बताओ क्या मतलब, कंजम्पशन वही रहेगी जो रहेगी। भाई नमक जो है आप अपने इनकम के अनुसार थोड़ी ना कम ज़्यादा करोगे कि भाई सब्जी में मम्मी नमक ज़्यादा डाल दो कम डाल दो, वो तो जो है वो है। तो बताओ इस कर्व को क्या बोलेंगे, लाल वाले को, हाँ इस लाल कर्व को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, वेरी गुड। तो इन्हें दो थप्पड़ मारो, इन बच्चों को दो थप्पड़ मेरी तरफ से, सब बच्चे मारेंगे क्लास के बाद। इसे हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं ये, तो या तो बच्चों आप गलत स्कूलों में जाते हो, या आपकी संगत गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। ये लाल रंग की लकीर के कर्व को क्या बोलेंगे, वर्टिकल बोलेंगे, ये तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ साफ दिख रहा है, इससे बड़ा और क्या डायग्राम होगा ये। और जिसकी मैथ्स तेज है वो बच्चा इस कर्व को क्या बोलेगा, इस फ्रेट, तो नर्सरी के बच्चे बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, पैरेलल, किसके पैरेलल, आसमान के पैरेलल, वाई एक्सिस, वेरी गुड। चलो तो ये छोटी छोटी बारीकियां इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लिख लो बादल के अंदर। तो ये होता है बेसिकली क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटी गुड, तो वो इनकम के साथ वही रहेगा। चलो तो अब अपनी कहानी पर चलते हैं वापस डायग्राम बना के। तो तीसरे गुड में देखो क्या नाम दे रखा है आपको, नेसेसिटी गुड। तो बस इसमें आपको एक ही लाइन लिखनी है कि एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, मान लो आपकी इनकम बढ़ गई, आप मुकेश अंबानी से भी डबल हो गए इनकम के मामले में, कॉमा, डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स, तो बताओ कितना नमक खाओगे आप, स्वाद अनुसार। तो डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो बस लिख लेते हैं डिमांड फॉर नेसेसिटी गुड्स डू नॉट चेंज। एग्जाम्पल सॉल्ट, क्लियर हो गया। चलो तो अब एक हॉट क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ ओरली आंसर करना है, तो बस ओरली बताना।
भाई मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, एग्ज़ाम ने कहा पहचानो कौन सा गुड है, तो उसने अगर आपको ये कर्व दिया तो बताओ कौन सा गुड है ये, इन्फीरियर, वेरी गुड। उसने अगर मान लो आपको ये कर्व दिया, नेसेसिटी, उसने अगर आपको ये कर्व दिया, नॉर्मल, वेरी गुड। तो समझ गए खेल, तो जो अपवर्ड स्लोपिंग होगा वो नॉर्मल, जो बिल्कुल वर्टिकल होगा वो नेसेसिटी, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा वो इन्फीरियर, वेरी गुड। अब बढ़े चौथे पॉइंट पर, चौथा फैक्टर जो आपके डिमांड को अफेक्ट करेगा, इसे बोलते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इसका सिंबल होता है टी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, भाई एक तरफ मैंने बर्गर रखा है, ठीक है, एक तरफ क्या रखा हुआ है, बर्गर, और दूसरी तरफ रखी है करेले की सब्जी, तो आप किधर भागोगे, बर्गर की तरफ भागोगे, तो बर्गर की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, करेले की सब्जी की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है कि जो चीज़ आपको टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा होगी, और जो चीज़ आपको बेकार लगती है, गंदी लगती है, उसकी तो होगी ही नहीं, तो कम होगी एक तरह से। तो ये इसमें बस लिखा ही है बात, तो इसमें मतलब कोई समझाने या लिखवाने की बात नहीं है, तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इफेक्ट्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड, और उसमें दे रखा है इन केस ऑफ फेवरेबल टेस्ट, बस ये वर्ड याद रखना, फेवरेबल। तो अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट फेवरेबल लगता है, मतलब आपको अच्छा लगता है, तो उस गुड की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, बस। तो ये मुद्दे की बात है, और ऑब्वियसली इन केस ऑफ अनफेवरेबल टेस्ट, अगर आपको कोई चीज़ बेकार लगती है तो उस चीज़ की डिमांड क्या होगी, लोअर होगी, है ना। तो ये आप पे बिल्कुल प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है। अब जैसे आपको मस्ती खोरी, है ना, माता पिता को परेशान करना, ये सब चीज़ें पसंद है, टीचर को दुखी करना, तो इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा करते हो, लेकिन यही अगर पढ़ाई करनी, होमवर्क करना, रिवीजन करना, टेस्ट्स देने, ये आपको बेकार लगते हैं, तो इन सब चीज़ों की डिमांड भी आप कम करते हो। तो ये एक सिंपल साइकोलॉजी भी हो गई। और पांचवा फैक्टर हो गया अदर फैक्टर्स, मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं, तो उसका सिंबल क्या बन गया, ओ। तो अदर फैक्टर में जैसे हो गया एक एग्जांपल कि गुड्स इन फैशन, भाई जो चीज़ें फैशन में चल रही हैं, तो जो चीज़ें फैशन में चलती हैं उनकी डिमांड क्या होती है, आमतौर पर ज़्यादा होती है। अब कोई आपको बोल दे कि भाई कुर्ता पजामा पहन के आना है आपको, तो अब कुर्ता पजामा आप कहोगे कि नहीं हम नहीं पहनते, मान लो आपको लगता है मेरा आउट ऑफ फैशन है, पुराने ज़माने की चीज़ है, तो वो नहीं पहनोगे आप भी, उसकी डिमांड भी मार्केट में भी क्या होगी, कम होगी। जो चीज़ों की डिमांड आज मार्केट में ज़्यादा होगी, जो फैशन में होंगी, वो चीज़ें आप भी खरीदना चाहोगे। तो इसको एक एग्जाम्पल बोल दिया अदर फैक्टर, तो मतलब डिमांड को दूसरे फैक्टर्स भी प्रभावित कर सकते हैं, तो समझ आया। तो आप बताओ डिमांड को कितने फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, पांच। तो इनकी एक समरी सुना ध्यान से अब। तो अगर मैं बोलूं कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तीसरा फैक्टर जो आपने आज पढ़ा कौन सा होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चौथा फैक्टर कौन सा होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और पांचवा फैक्टर कौन सा होता है, अदर्स फैक्टर्स। फिर इसको और बेहतर तरीके से अगर समझें, प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में आपको दो प्रकार के गुड्स के बारे में पता होना चाहिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड के साथ कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट, वेरी गुड। तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की भी डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, वेरी गुड। क्योंकि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी, तो यहाँ तक याद आ गया। उसके बाद इनकम, इनकम में तो ये डिपेंड करता है
कि गुड कैसा है। अगर गुड नॉर्मल है तो इनकम के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और अगर गुड इन्फीरियर है तो इनकम के साथ कैसा रिलेशन, इनवर्स। वेरी गुड। बाकी टेस्ट, अगर आपको कोई फेवरेबल चीज मिलेगी तो डिमांड ज्यादा, और अगर आपको करेले की सब्जी मिलेगी तो डिमांड कम। और ओ अदर, अदर का मतलब तो जैसे फैशन, तो जो चीज़ें फैशन में होंगी वो ज़्यादा, और जो चीज़ें आउट ऑफ फैशन होंगी तो डिमांड कम। तो ये क्लियर हो गया। तो भैया गणित के योद्धाओं, कभी भी एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट हो किसी दूसरे वेरिएबल पर जो कि इंडिपेंडेंट हो, तो उसको आप कभी कभी ऐसा फंक्शन भी करके बोल देते हो कि y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा गणित में होता है। जैसे, और इसको सिंपल कर देता हूँ जिन जो नॉन गणित के विद्यार्थी हैं, भाई मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँगा तो बताओ y का क्या आंसर आएगा, 2। अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो y का क्या आंसर आएगा, 5। अगर मैं x की वैल्यू को 3 पुट करूंगा, 10। तो समझ रहे हो, इसका मतलब x की वैल्यू पर निर्भर कर रही है y की वैल्यू, यही होता है ना फंक्शन का मतलब। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये नहीं लगता कि सेम चीज यहां पर भी हो रही है, डिमांड जो है वो क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। डिमांड किस पर निर्भर कर रही है, प्राइस पर निर्भर कर रही है, इस पर कर रही है, इस पर कर रही है, इनके हिसाब से वो इफेक्ट हो जाती है। तो अब आ जाओ अगले टॉपिक पर। तो इसीलिए अगले टॉपिक का नाम क्या है, डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का तो मतलब ही ये होता है कि जो आपने अभी तक बातें पढ़ी उन बातों को अगर मैं एक फंक्शन का रूप दे दूं तो उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, डिमांड फंक्शन। तो वन नंबर में इसको मार्क कर लो, ये आपसे पूछता है, इट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। और फिर एग्जाम में बस ये फंक्शन चिपका के आ जाना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, dx इज इक्वल टू एफ ऑफ, देखो पांचों आइटम आ गए, याद करने के लिए भी सिंपल, पहला क्या है px, PR, दूसरा फिर उसके बाद Y और T और O, और सबकी फुल फॉर्म भी आपको पता है वही नीचे लिखी है। DX का मतलब हो गया क्वांटिटी, PX का मतलब प्राइस ऑफ गुड X, PR का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, Y का मतलब इनकम, T का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और O का मतलब, तो बस इसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो क्लियर हो गया डिमांड फंक्शन। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक का नाम है छोटा सा डिमांड शेड्यूल। तो ये भी आपसे वन नंबर में पूछ सकता है। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, आपने प्राइस और डिमांड का कैसा रिश्ता पढ़ा है, इनवर्स रिश्ता पढ़ा है। अगर उस इनवर्स रिश्ते को एक डब्बे के अंदर प्रेजेंट कर दिया जाए तो उस डब्बे को क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। तो आप पढ़ो, इसकी परिभाषा लिखी है, इट इज अ, बस उसके बाद मेरे साथ लिखो ये की वर्ड्स हैं, टैबुलर प्रेजेंटेशन। तो आपकी टीचर ये दो वर्ड ढूंढेगी, अगर ये उसको नहीं मिला तो जीरो नंबर, मिल गया तो एक नंबर। इट इज अ टैबुलर प्रेजेंटेशन जो क्या शो करता है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। चलो तो एक उदाहरण लिख लेते हैं, डब्बा तो बना ही हुआ है, प्राइस ऑफ गुड एक्स बताओ कितने रुपए है, गुड एक्स का प्राइस 5। तो 5 रुपए की अगर टॉफी मिलेगी तो कितनी टॉफी खरीदोगे, 2 टॉफी, 2 यूनिट्स। अब टॉफी का दाम हो गया 4 रुपए,
अब कितनी टॉफियां खरीदोगे? थ्री, तीन टॉफियां खरीद लोगे। उसके बाद अब टॉफी का दाम हो गया ₹3, तो अब कितनी टॉफियां खरीद लोगे? पांच टॉफियां। अब टॉफी का दाम हो गया ₹2, अब कितनी टॉफियां खरीदोगे? आठ टॉफियां। और अब टॉफी का दाम हो गया ₹1, अब कितनी टॉफियां खरीदोगे आप? 14 टॉफियां। तो इसका मतलब क्या कि आपका प्राइस जैसे जैसे कम हो रहा है, बताओ क्वांटिटी जो है वो वैसे वैसे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन हो गया। तो जब बस इस इनवर्स रिलेशन को इस डब्बे में हम शो करते हैं तो दिस डब्बा इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। चलो तो अब मुझे बताओ कि सबको बिल्कुल समझ आया अच्छे से सारी बातें? चलो तो डन फॉर द डे। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के पांच नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा। तो ठीक है बच्चों के कटने तो पांच नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या मोटिवेशन चाहिए? हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।